नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको केक बनाना सिखाएंगे, वो भी कटोरी में, बिना ओवन, बिना कुकर, बिना केक टिन के। तो चलिए घर में बहुत आसान तरीके से कटोरी में केक बनाते हैं। केक बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, 1 कप पाउडर शुगर, 1 कप दूध, 1/2 कप रिफाइंड ऑयल, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, टूटी फ्रूटी, इलायची का पाउडर और इनो। तो चलिए केक बनाते हैं। अब हम लेंगे एक बोल और उसमें डाल देंगे दूध, और अब डालेंगे ये पाउडर शुगर, नींबू का रस। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिलाएंगे। और अब डाल देंगे ये 1/2 कप रिफाइंड, और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें मैदा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है और हमारा बैटर देख सकते हैं आप, केक का इस तरह का बन गया है। इसी तरह का बैटर हमको चाहिए। अब हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे और आगे की तैयारी कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डाल देंगे नमक। नमक का कलर ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नमक को मैंने कई बार यूज किया है, और इसको अच्छे से फैला देंगे। और इसमें रखेंगे एक स्टैंड, स्टैंड के ऊपर रखेंगे एक प्लेट। इस तरह से केक हम जो है कटोरी में बना रहे हैं, इसीलिए कटोरी को भी लेंगे इस तरह से। अभी हम इसको निकाल लेंगे और इन कटोरियों को ग्रीस करेंगे। सारी कटोरियों को बाहर निकाल लिया है, और इस कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए मैंने रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। अब हम कटोरियों को लेंगे और अच्छे से ग्रीस करेंगे इसी तरह से। इसी तरीके से हम सारी कटोरियों को ग्रीस करेंगे। सारी कटोरियों को ग्रीस कर लिया है। अब हम लेंगे टूटी फ्रूटी और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच मैदा, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इसको एक साइड हम रखेंगे। अब हम लेंगे बैटर और उसमें बाकी सामग्री ऐड करेंगे। तो डालेंगे सबसे पहले इलायची पाउडर और थोड़ा सा टूटी फ्रूटी मिला देंगे इसमें, और डाल देंगे इनो। इनो की जगह आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। इनो डाल दिया है, अब हम इसको मिला लेंगे अच्छे से, और एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटेंगे और बैटर को अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इस बैटर को कटोरियों में भरेंगे। अब हम बैटर को कटोरियों में ऐसे भरेंगे, पूरा नहीं भरना है, आधा ही भरना है, ताकि केक फूलकर बराबर हो जाए। सारी कटोरियों में बैटर को भर लिया है। अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा थोड़ा टूटी फ्रूटी। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और अब कढ़ाई को प्री हीट होते हुए 10 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन हटाएंगे और इन कटोरियों को इस प्लेट के ऊपर रखेंगे। और इसको ढक देंगे। ढककर इस केक को 25 से 30 मिनट के लिए पकने देंगे। और केक को पकते समय अपने गैस का फ्लेम लो रखेंगे। केक को पकते हुए लगभग 30 मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन हटाएंगे और केक को चेक कर लेंगे।
आप चाकू देख सकते हैं बिल्कुल साफ है। इसका मतलब यह है कि केक हमारा पक चुका है। अब हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। केक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसको कटोरी से बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले कटोरी को ऐसे लेंगे और चाकू से ऐसे किनारों को पहले कर लेंगे। उसके बाद इस केक को प्लेट में पलट देंगे और थोड़ा सा ऐसे ठोकेंगे और देखिए केक आसानी से निकल गया। इसी तरह से हम सारे केक को निकालेंगे। सारे केक को कटोरी से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मुलायम केक बनकर तैयार है। ये केक को हम आपको तोड़कर दिखाते हैं। आप इसको देखिए यह कितना मुलायम है। तो अगर केक बनाने का यह तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार घर में इस तरह से आप भी केक बनाकर ट्राई करिए। केक बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है।